गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? करते हो अच्छे हो गए। तो गाइज, आज कल तो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, आज फिर मौसम ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन दिन में लगता है कि बारिश होगी, ऐसा माहौल तो बना है। और माहौल बना है तो फिर उससे बारिश हो ही सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दिक्कत तो तभी होती है जब बारिश होते रहे और आप ट्रैफिक जाम में फंस जाओ। गाड़ियाँ मच्छर घुस गया है, इसको क्या हुआ। लोग गाइस, सुबह सुबह कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में। तो अभी तो मौसम ऐसे ही, मौसम में तो कोई बदलाव है नहीं। अब मैं गुड़गांव पहुंच जाऊं जल्दी से, बारिश नहीं होना चाहिए यार, रास्ते में बहुत दिक्कत होती है। और बारिश जब भी हुई है इतना ट्रैफिक जाम होता है, पता है क्यों? क्योंकि जो मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे सब बाइक लगा देते हैं, मतलब जो बाइक वाले हैं वो छुपते हैं वहाँ पे, तो फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। फिर नहरों से निकलना, मतलब थोड़ा सा जगह होता है उसमें से निकलना मुश्किल, और फिर पीछे पूरा गाड़ियों का ऐसा हो जाता है कि जाम। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मतलब जाम होने की इससे मतलब बारिश होने के पहले पहुँच जाऊँ। पता नहीं गाड़ी में मच्छर कहाँ से घुस गया है, बहुत परेशान कर रहा है भाई। देखते हैं कैसे निकलेगा। गाइस, आज इतनी बारिश हुई इसका जवाब नहीं, क्या बताएं। बारिश के पानी से एकदम भर गया है हर तरफ, बहुत तेज़ बारिश हुई। और हर दिन ये बारिश ने पता नहीं क्या करते हैं यार, बारिश। मतलब अभी ऐसा हो गया है, इस बार लगता है कि सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, मतलब इस मानसून में। इतना तो कभी मैंने देखा ही नहीं पहले कभी, मतलब मुझे नहीं लगा कभी होगा ऐसे, पहले कभी नहीं हुई। मतलब हर दिन बारिश, और वो भी ऐसी बारिश नहीं हल्की सी, बहुत तेज हो रही है। तो गाइस अभी निकले हैं घर के लिए और रास्ते में हैं, देखो क्या हो सकता है, रास्ते में ट्रैफिक जाम ना मिले बस। और बस चलते हैं। एक बात है, अभी बिग बॉस का फिनाले वीक शुरू हो गया है, तो उसमें जितने भी बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 7-8 का अभी बचे हैं, 7-8 बच्चे ही हैं, 7 बच्चे हैं, 7-8 ऐसे ही बच्चे हैं, 2-2-4-8 बच्चे हैं टोटल। ये 8ों में मतलब वोटिंग के बेस पे तो कोई भी जीतेगा वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग का ही है। देखो बिग बॉस ऐसा है कि यहाँ पे हर कोई अपने हिसाब से, मतलब बिग बॉस है एक दूसरे को लड़ाने वाला खेल, सब लड़ते रहते हैं आपस में, और लड़ते भी ऐसे हैं जैसे कि मैं जीत जाऊँ, मतलब ऐसा होता ही है कहीं भी। अगर कोई कंपटीशन होता है तो कोई ना कोई जीतने के लिए ऐसा करता है कि मैं जीत जाऊँ, और जो जीत गया वो जीत गया। बट मेन है पब्लिक, और शो वालों को भी पता है कि क्यों, मतलब वोटिंग ज़्यादा किसको हो रही है, किसके चलते उनका TRP बढ़ रहा है, कैसे सब देखते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, कौन गेम अच्छा खेल रहा है, तो उसके बेस पे वो मतलब सिलेक्शन करते हैं, और अच्छा ही है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही जीतना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि या तो अभिषेक मल्हान या एलविश यादव, ये दोनों में से कोई जीतेंगे। तो ठीक है, फॉलोअर्स के मामले में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, कोई फॉलोअर्स ज़्यादा है किसी का, कम किसी का, कुछ तो होता है ऐसा, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल गाइस अभी बारिश बंद है और मैं जा रहा हूँ घर, और लेट तो हो गया थोड़ा मुझे, देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं। पेट्रोल भी लेना है, पेट्रोल भी कम हो गई है गाड़ी में, तो पेट्रोल ले लेंगे फिर निकलेंगे एक बार घर के लिए, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, देखते हैं। देखो गाइस यहाँ कैसे, एक बात तो है, गुड़गांव में बारिश होती है तो हर जगह वाटर लॉगिंग हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस देख लो पेट्रोल कितना कम हो गया है, ये गाड़ी तो इतना तेल पीती है पता नहीं, देखते हैं अभी आज फिर लेंगे। इसका तेल पीने का स्पीड कम नहीं हो रहा है, तेल से नहीं चलती, खून से चलती है ये। तेल बढ़ाते रहो पैसा उड़ते रहेगा, इतना दिमाग का ये कर देती है, इतना तेल तो पता नहीं ठीक।
ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, पी रही है तो पी रही है। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आ जाओ। ये सामान कौन फेंका है रूम में बताओ, बताओ बताओ कौन फेंका है? ये सब कुछ तुम फैलाया है, पूरे घर का सामान फैला दिया है लड़का। गाइस खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब सोने की तैयारी है। बाबू तो सो गया है और मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।